हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? गर्मियों का मौसम चालू हो चुका है, बहुत तेज़ धूप भी पड़ने लगी है और ये तेज़ धूप की वजह से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है सन टैनिंग की या सन बर्न की या स्किन का काला पड़ जाना। तो दोस्तों, घर के काम या हमारे दूसरे किसी काम की वजह से हमें बाहर तो निकलना ही पड़ता है और जनरली हम सभी को ये सन टैनिंग होती है। तो इस सन टैनिंग को रिमूव करने के लिए हम पार्लर भी जा सकते हैं, बट इतने हजारों रुपए कौन हर महीने खर्च करेगा? तो इसलिए मैं आपको आज तीन बहुत ही इजी घरेलू उपाय बताने वाली हूँ जिनको यूज करके आप इन सन टैनिंग को जरूर हटा सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट रेमेडी से। फ्रेंड्स, फर्स्ट रेमेडी के लिए हमें चाहिए दही और चुटकी भर हल्दी। इसके अलावा हमें लगेगा बेसन, पर हमें इसका कोई पेस्ट नहीं बनाना है। कैसे यूज करना है आप देखते जाइए। सबसे पहले हम दही में बस एक चुटकी हल्दी मिला लेंगे। मैं दही में ये एक चुटकी हल्दी मिला रही हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारा जो हल्दी और दही का पेस्ट है इसे मैं अपनी स्किन पर लगाऊंगी और फिर से 10 मिनट बाद बेसन की हेल्प से निकालूंगी। तो ये इस तरीके से मैंने अपनी स्किन पर रब करते हुए इसे लगाया है। फ्रेंड्स, ये 10 मिनट हो गए हैं और जो इसमें दही लगा है मेरे हाथों पर ये हल्का सा ड्राई हो चुका है और हमें इसे वैसे भी पूरी तरीके से ड्राई नहीं करना है। अब मैं बेसन की हेल्प से इसे क्लीन करूंगी जिससे कि मेरे हाथ पे जो टैनिंग है, जो डर्ट है, जो गंदगी है, सभी कुछ क्लीन हो जाएगी। तो इसे कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। आप अपने हाथ को बेसन में डालिए, इसे बेसन आपकी डिप्स में आ जाएगा। अब इसकी हेल्प से रब करते हुए इसे हमें यूं निकालना है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार बेसन ले सकते हैं। ये देखिए, ये सारी गंदगी इस तरीके से निकल जाएगी। फ्रेंड्स, ये हमारी फर्स्ट रेमेडी थी। अब इसके बाद जब भी आप ये बेसन की हेल्प से अपना हाथ क्लीन कर लें, आपकी स्किन क्लीन कर लें, आप उसे पानी से वॉश कर लीजिए। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारी सेकेंड रेमेडी की तरफ। फ्रेंड्स, सेकेंड रेमेडी के लिए हमें चाहिए आलू का जूस और थोड़ा सा क्रश किया आलू, और सेकेंड हमें चाहिए लेमन जूस या नींबू का रस। मैं इस आलू वाले जूस और क्रश्ड आलू के पेस्ट में डालूंगी 1 स्पून लेमन जूस, और बस इन दोनों को मिलाने के बाद हमारी सेकेंड रेमेडी रेडी हो जाएगी। हमारी सेकेंड रेमेडी का पेस्ट रेडी हो चुका है। इसे भी हमें नॉर्मली अपनी स्किन पर लगाना है और 10 मिनट के बाद उसे ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। ये मैं हाथ पे अगेन हमारी सेकेंड रेमेडी वाला पेस्ट लगा रही हूँ। बस इस तरीके से लग गया और इसे 10 मिनट तक रखने के बाद इसे हम ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। तो अब थर्ड रेमेडी, इसके लिए हमें चाहिए टमाटो जूस प्लस टमाटो पल और चाहिए लेमन जूस। तो चलिए इसे भी बनाते हैं। मैं टमाटो पल्प में ये 1 स्पून लेमन जूस डाल रही हूँ। ये रेडी है। इसे भी हम जैसे भी हमने सेकंड रेमेडी को 10 मिनट के लिए अप्लाई करके रखा था अपने हाथ पर या स्किन पर, इसे अप्लाई करेंगे और वो ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये मैंने अप्लाई कर लिया है, 10 मिनट बाद मैं इसे वॉश कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारी तीन यूजफुल रेमेडीज थी। ये तो हुई इसलिए कि हम अपनी सन टैनिंग को हटा सके, पर सन टैनिंग को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, आपको इसके लिए सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए और सनस्क्रीन लगाने का रूटीन ऐसा होना चाहिए, पहले आप मॉइस्चराइजर करिए स्किन क्लीनिंग के बाद, फिर सनस्क्रीन लगाइए और उसको लगाने के आधे घंटे बाद ही बाहर निकलिए। और हमारे इंडियन स्किन टोन के हिसाब से और इंडिया में जो गर्मी होती है उसके हिसाब से हमें बिटवीन 30 to 50 SPF का सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। तो कोई भी सनस्क्रीन जो आपको सूटेबल लगता हो, आपको सूट करता हो, आपके बजट में हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो ये हमारी तीन इजी वीजी घरेलू सस्ती सुंदर टिकाऊ रेमेडीज थी। ये आपको कैसी लगी आप इन्हें यूज करके मुझे जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू।